हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से इस चैनल पे नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रही है आपके अपने चैनल पे इंशासना हब पे। और इस क्रैश कोर्स की खास बात है कि ये क्रैश कोर्स टोटली एनसीईआरटी बेस्ड होगी। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीट की क्रैश कोर्स का लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्लास 11th का पहला यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में टोटल 4 चैप्टर आते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और अगर आप इसके वेटेज को देखेंगे तो इसका टोटल वेटेज 1, 0, 3 और एक एक क्वेश्चन का, और बाकी भी एक एक और जीरो ही क्वेश्चन का है। तो अगर एवरेज वेटेज आप इसका देखेंगे तो एक क्वेश्चन का ही है द लिविंग वर्ल्ड का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड 3 उसमें डिवाइडेड है। पहले नेशन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, दूसरी रिलेशन में आता है टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, एंड देन टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी की पेज नंबर 1-5 का डिस्कशन है। जो भी नीट में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछी गई है या जो भी पूछी जा सकती है उन चीज़ों को इन वीडियो में मैं डील करूंगी। तो सबसे पहली बात करेंगे जो एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है एर्नेस्ट मेयर का। द एर्नेस्ट मेयर को एक टाइटल दिया गया द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इन्होंने दिया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेशीज। जो आज करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो सबसे पहले एर्नेस्ट मेयर ने ही दी थी, और ये चीज नीट में पूछी हुई है। तो अब आता है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग क्या क्या होते हैं? एक ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 5 कैरेक्टर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पोजेस करती है। इनके अलावा और भी कई कैरेक्टरिस्टिक हैं, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, होम्योस्टेसिस एक्सेट्रा, लेकिन एनसीईआरटी ने सिर्फ इन 5 को ही वेटेज दी है। इसके अलावा एनसीईआरटी ने सेल्फ रेप्लिकेशन, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरएक्टिव सिस्टम, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सब प्रॉपर्टी पोजेस करती है। इसके बाद जो चीजें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में कही गई है, तो जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग इसलिए नहीं होती है क्योंकि उसका कुछ एक्सेप्शन होता है। अगर कोई चीज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो इसका कोई एक्सेप्शन होगा ही नहीं। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में आगे क्या क्या एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से इसे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में नहीं रखा गया है। तो अब हम देखने वाले हैं ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ इरिवर्सिबल और परमानेंट प्रोसेस होती है। ग्रोथ के 2 कैरेक्टर होते हैं, मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना। यहाँ पे नंबर कोई टिश्यू के लिए हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, या सेल नंबर में ग्रोथ होना या मास में ग्रोथ होना। तो ओवरऑल अगर कहें तो साइज में अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों होती है, जो कि सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन में जो ग्रोथ होता है उसे हम विट्रो कल्चर में देख सकते हैं। सेल की हम काउंटिंग कर सकते हैं कि सेल की ग्रोथ हो कितनी रही है। ग्रोथ की कुछ टाइप हैं, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, डिटर्मिनेट, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इनडिटर्मिनेट का मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ होना, जो कि प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है। डिटर्मिनेट मतलब एनिमल्स का कैरेक्टर है, जिसका मतलब लिमिटेड ग्रोथ होना। इंट्रेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इंट्रेंसिक ग्रोथ हमेशा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही प्रॉपर्टी है। एक्सट्रेंसिक ग्रोथ जो होता है वो किसी भी नॉन लिविंग का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि कोई सरफेस है और किसी सरफेस के पे कोई भी चीज आके जमा हो रही है, एक्यूमुलेट हो रही है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्रेशन। तो अगर वो जैसे वो सरफेस नॉन लिविंग थी ना, तो वो सरफेस कोई अमाउंट है, जैसे वो कोई पहाड़ है। तो अगर हिमालयन रेंज से एग्जांपल ले रहे हैं, उसके ऊपर बर्फ आके गिर रही है, तो कहते हैं इसकी साइज इंक्रीज हो गई। तो वहां पे साइज इंक्रीज नहीं होती, वहां पे सिर्फ एक्युमुलेशन होता है किसी भी चीज का उसके सरफेस पे।
उसके एग्जांपल हो सकते हैं माउंटेन्स, मोल्डर्स. मोल्डर्स का मतलब होता है बड़े चट्टान, और सैंड मोल्ड, सैंड मोल्ड्स होता है बालू की जो चट्टान होती है वो. नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है. ये नीट में आया है. जो ग्रोथ हो रहा है और जो रिप्रोडक्शन हो रहा है हम इसमें साफ पता कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एमीबा और बैक्टीरिया के बारे में बात हो रही है तो आप बिल्कुल क्लियर कट लाइन नहीं बता सकते कि वहां ग्रोथ हो रही है या रिप्रोडक्शन हो रही है. तो हमने अभी तक ये देखा कि जो ग्रोथ होता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि कुछ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ भी हो रही है जिसके कारण हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह पा रहे हैं. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तभी कहते हैं जब उसमें सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है और कोई एक्सेप्शन नहीं होता, जैसा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में होता है. तो अब हमारा सेकेंड टॉपिक है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चलता है, री और प्रोडक्शन. री का मतलब अगेन और प्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन. अगर किसी भी चीज का अगेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगेन फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं. रिप्रोडक्शन का मेन मकसद होता है किसी भी स्पेशीज को आगे नेक्स्ट जनरेशन तक कंटिन्यू करने का. तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है, चाहे तो एसेक्सुअल चाहे तो सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है और इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है जो कि बाई पेरेंटल होता है, टू पेरेंट्स में इन्वॉल्व होता है. नेक्स्ट है हमारे पास मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नीट के लिए, इससे बहुत क्वेश्चन भी आ चुका है. तो पहला है फंगजाई. फंगजाई एसेक्सुअल स्पोर्स होता है, ये एसेक्सुअल स्पोर्स से करता है. ये पूरा बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस सबको याद कर लीजिएगा. ऐसे ही यीस्ट हाइड्रा है जो कि बडिन होता है, और फंगजाई है, फ्लेमेंटस एल्गी है, और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस है. ये आप प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस और पढ़ेंगे ब्रायोफाइट में. ये सब फ्रेगमेंटेशन से करती है. प्लेनेरिया है जो कि ट्रू रीजनरेशन से डिवाइड करती है. कुछ है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीस, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये लिविंग होते हुए भी ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, ये एक्सेप्शन है. तो ये इसका ड्रॉबैक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन फेल हो जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो पाता है. तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है. तो अब नेक्स्ट है हमारा है मेटाबॉलिज्म. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो हमने शुरू में ही देखा. तो मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्लांट में भी, एनिमल में भी और माइक्रोब्स में भी, सब में देखा जाता है. अगर लिविंग बींग्स में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो लिविंग ही नहीं हो सकते. मेटाबॉलिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एक टाइम पे हजारों केमिकल रिएक्शन चल रहा होता है, अगर हम उन सारे को ऐड कर ले तो हम उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का जो मकसद होता है वो हमारे अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन करना होता है. मेटाबॉलिज्म एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है जिससे एनर्जी बन सके. और मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म में किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है. कैटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन होता है जिससे रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म ऑल एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, एंड ऐसा कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है जो मेटाबॉलिज्म शो कर सके. तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है. तो अब एनसीईआरटी की कुछ ऐसी लाइंस है जो हमें बहुत कंफ्यूज करती है. यहाँ पे नीचे दे रखा है एनसीईआरटी में मेटाबॉलिज्म में ही कि एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन को लेते हैं तो क्या वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है. तो सिंपल सा चीज है कि वो अगर कोई भी चीज सेल फ्री सिस्टम में रखी हुई है तो वो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन में तो वो हमेशा हमेशा नॉन लिविंग ही होगी. लेकिन अगर वो विट्रो में रखी हुई है, अगर वो टिश्यू कल्चर में रखी हुई है, तो जो रिएक्शन होगी वो लिविंग होगी. तब पर भी वो लिविंग या नॉन लिविंग हम उसे नहीं कंसीडर कर सकते, लेकिन हाँ हम उसे इतना बोल सकते हैं कि वो जो रिएक्शन चल रही है वो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है. इसमें ही नेक्स्ट टॉपिक आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है. तो
जो सिंपल सा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ आप जान लीजिए कि यहाँ सेल्स के बारे में और सेल्स के जो प्रोडक्शन होती है उसके बारे में, उसको मिला के सेलुलर ऑर्गेनाइज हमारे बॉडी में होते हैं जो कि बिलियंस ऑफ होते हैं। ये आप जानते ही होंगे सीक्वेंस सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से इंडिविजुअल्स। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है। तो जो प्रॉपर्टी होती है सेल की, वो सेल की प्रॉपर्टी टिश्यू में जाती है, टिश्यू की ऑर्गन में। ऐसे सीक्वेंस हमेशा चलता रहता है, इसे हम इंटरैक्शन बोलते हैं। और ऐसे ही सब इंटरैक्ट करके हमेशा काम करते हैं। तो ये सिंपल सी चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखते हैं और लास्ट टॉपिक हमारा जो कि है कॉन्शियसनेस। नीड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही मानी जाती है, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में पहली बात जो कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर होता है किसी भी लिविंग बींग ऑर्गेनिज्म का, सबसे कॉम्प्लेक्स फीचर ये होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए है क्योंकि इसमें हम किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करते हैं, किसी चीज को सेंस करके उसका रिस्पॉन्स करना। एनवायरमेंटल स्टिमुलस का जो कि फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे आप प्लांट का एग्जांपल लें तो प्लांट लाइट को भी रिस्पॉन्स करता है, टेम्परेचर, वाटर, पॉल्यूटेंट सबको रिस्पॉन्स करता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे हैं लिविंग, वो सारे कॉन्शियसनेस को शॉर्ट करते हैं। एक ह्यूमन बींग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि किसी भी चीज, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो सबसे ऊपर हो, टॉप लेवल पे, क्लाइमेक्स लेवल पे, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो सिर्फ ह्यूमन बींग के पास ही ये प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। नेक्स्ट है फोटो पीरियड इफेक्ट की रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, जो कि नीड में क्वेश्चन आ चुका है। तो फोटो पीरियड्स होता है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इसमें जो लाइट की ड्यूरेशन होती है वो किसी भी प्लांट और एनिमल को अफेक्ट करता है, तो कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट है सेल्फ, एनसीईआरटी ने पूछ रखा है कि एक कॉमा पेशेंट है जो कि पूरी तरीके से ब्रेन डेड है, लेकिन उसकी जो सारी मैकेनिज्म है वो मशीन से सपोर्टेड है और उसकी जो हार्ट और लंग्स है वो रिप्लेस्ड है, तो क्या वो पेशेंट फिर से कभी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है? तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि अगर वो लिविंग है, अगर उसके अंदर कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग है, अगर उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो लिविंग नहीं है, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन की प्रॉपर्टी है। तो अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है और सेल्फ कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इसलिए है क्योंकि अब वो मेडिसिन जो उसे दी जा रही है वो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो हम इसलिए उसे लिविंग बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, जो प्रेजेंट के हैं, पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं। तो ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं और सब में जो कॉमन जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम होता है, सिर्फ थोड़ा सा डिग्री का वेरिएशन होता है। तो वेरिंग एट सम डिग्री। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पार्ट 2, 3, 4 भी आएगा। अब हम नेक्स्ट में हम देखेंगे टेक्सोनॉमिक और टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।